फिल्म इंडस्ट्री में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी भनक पब्लिक को नहीं होती, लेकिन जब इन रिश्तों का सच खुलकर सामने आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता राजू श्रीवास्तव और कपिल शर्मा का था, जिसके कदमों की छाप पर चलकर कपिल आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वो कदम राजू श्रीवास्तव के थे। कपिल राजू को अपना बड़ा भाई कहते थे। राजू जब भी मिलते तो प्यार से कपिल को अपने गले से लगाकर कहते कि ये मेरी विरासत को बढ़ा रहा है। जिंदगी के संघर्ष में कपिल ने राजू को अपना गुरु बनाया और आंखों के सामने उनकी तस्वीर को रखकर आगे बढ़ते चले गए। राजू के मुंह से हमेशा कपिल के लिए आशीर्वाद ही निकलता था, लेकिन आज कपिल के होंठ डगमगा गए हैं। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। राजू की मौत पर सबसे पहले मीडिया कपिल शर्मा का रिएक्शन जानना चाहता था, लेकिन मौत की खबर से कपिल बेसुध हो गए। जब पूरी दुनिया राजू के निधन पर दुख जता रही थी, तब कपिल बिल्कुल शांत पड़े हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। वो भाई जिसने बुरे वक्त में उंगली थामी, वो भाई जो एक आवाज़ पर दौड़ा चला आता था, आज वो मौत की गोद में सो गया है। कपिल के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत देर बाद कपिल ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट भी ऐसा किया कि पढ़कर लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। कपिल ने राजू की एक तस्वीर शेयर की और इस पर लिखा, आज पहली बार आपने रुलाया है राजू भाई, काश एक मुलाकात और हो जाती। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे, आप बहुत याद आएंगे। अलविदा, ओम शांति। कपिल के अलावा चंदन, की कु भारती सबके सब दुखी हो गए हैं। कपिल के बुलापे पर राजू कई बार उनके शो में आए और जब भी राजू आए तो वो एपिसोड सुपरहिट हो गया। एक तरफ कॉमेडी जगत का अमिताभ होता तो दूसरी तरफ शाहरुख। लोग हंसते हंसते पागल हो जाया करते थे, लेकिन अब कॉमेडी की ये लौ बुझ चुकी है। कॉमेडी का सितारा अब आसमान में चमकेगा। आज कॉमेडी जगत के एक अध्याय का दुखद अंत हो गया है।